महाराष्ट्र में सबसे बड़ा उलटफेर, धरी रह गई शिवसेना कांग्रेस की रणनीति, देवेंद्र फडणवीस बने सीएम। नमस्कार। महाराष्ट्र की सियासत में आज की सुबह सबसे बड़ा उलटफेर लेकर आए। पिछले करीब एक महीने से जारी सियासी घटनाक्रम में अचानक सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए आज सुबह देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली है। आज राजभवन में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी उन्हें सीएम पद की शपथ दिलाई। इसके साथ ही एनसीपी के अजीत पवार ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली है। उन्हें राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राजभवन में शपथ दिलाई। महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना की रणनीति धरी की धरी रह गई और भाजपा ने महाराष्ट्र में सरकार बना ली है। भाजपा ने एनसीपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई है। बता दें कि महाराष्ट्र में सरकार की रात तक शिवसेना के उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने के आसार नजर आ रहे, लेकिन रात भर के बाद जब आज सुबह हुई तो यहाँ की सियासी सूरत पूरी तरह बदली हुई थी। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि भाजपा ने किस तरह अचानक महाराष्ट्र में सियासी तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया, लेकिन फिलहाल सामने तस्वीर तो ये कह रही है कि भाजपा ने एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई है, क्योंकि एनसीपी की ओर से अजीत पवार को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री की शपथ लेते तस्वीरों में देखा गया है। इससे पहले कांग्रेस एनसीपी शिवसेना को मिलकर बने नए गठबंधन विकास अघाड़ी के शीर्ष नेताओं की शुक्रवार को हुई थी। बैठक के बाद एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने घोषणा की थी कि शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के नाम पर तीनों पार्टियां राजी हो गई हैं।